कामिनी, तुम हद पार कर रही हो। तुम ना सिर्फ एक चोर हो रहा था, ये सब मेरा ही तो है। और उसे रोको, रोको उस कामिनी को, बहुत तो गलत कर रही है राधा के साथ। तुम एक ऐसी चोर हो जिसने किसी और के पति को चुराने की कोशिश की। मोहन त्रिवेदी, आप सबके सामने भाके बिहारी जी को साक्षी मांगकर कसम लेता हूं कि आज से राधा की जिम्मेदारी मेरी। एक अधूरी दुल्हन जिसके फेरे तो हो गए लेकिन मांग में सिंदूर नहीं। शादी के रस्में तो हो गई लेकिन गले में मंगलसूत्र भी नहीं। और ये सब कुछ तुम्हारा कभी भी नहीं होगा राधा। मोहन जी, हमसे गुस्सा मत होइए। हम जानते हैं कि हमने आपको बहुत ठेस पहुंचाई, पर एक बार हमारी बात सुन लीजिए ना। शांत हो जाओ। मोहन, मोहन दरवाजा खोलो। मोहन बेटा, मोहन शांत हो जाओ। मोहन प्लीज, एटलीस्ट मेरे इज्जत के बारे में तो सोचो। सब मेरे बारे में क्या करेंगे? देखो, तुम्हें राधा से जो बात करनी है ना, तुम बाहर आके बात करो ना, सबके सामने बात करो। मोहन, मोहन, तो रह गया तुम्हें, मैं खींचूंगा इसे, ठीक है? थोड़ा दर्द हो सकता है। वैसे बिटिया, कद्दू बातों बातों में एक मुद्दे की बात कह गई, कहीं बंद कमरे के पीछे
राधा और मोहन के प्यार की खिड़की खुल गई तो कहीं राधा ने मोहन को पटा लिया तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहन राधा के साथ इसलिए नहीं है क्योंकि उसे अब तक पता नहीं था कि राधा उससे प्रेम करती है। हो सकता है कि तुम्हारे चक्कर में जो उसे पता चल गया है कि राधा उसे प्रेम करती है तो 6 घंटे बाद वो राधा को इसी मंडप में ले आएगा और उससे शादी कर लेगा। पर हूं ना मैं, मेरी जिंदगी सब अंधेरे में ही तो है और जो मेरी जिंदगी में आता है वो भी इसी अंधेरे का हिस्सा बन जाता है। सब मेरी गलती है। तुम बहुत सीधी हो यार, बहुत बोली हो, बहुत अच्छी हो, तुम्हें ये सब नहीं दिखता लेकिन मुझे समझ जाना चाहिए था ना, मुझे दिखना चाहिए था कि मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूँ। हर मोड पर गलत किया है मैंने तुम्हारे साथ जो मुझे समझ में नहीं आया। मेरी तो गलती है ना, ऐसी दोस्ती करनी मैंने तुम्हारे साथ कि मैंने अपनी सारी हदें पार कर दी। इतना अपनापन जमा लिया मैंने तुम्हारे पर कि मैं भूल गया कि तुम भाई हो। हाँ तो फिर चलो, आप तुम्हें कमरा दिखा दो और तुम्हारी इंग्लिश क्लास शुरू करते हैं। आओ। तुम्हें डांटा, तुम्हारी जिम्मेदारी ली। मैं मोहन त्रिवेदी आप सबके सामने भा के बिहारी जी को साक्षी मांगकर कसम लेता हूँ कि आज से राधा की जिम्मेदारी मेरी। कल से लगाया था गोद में उठाया मैंने। तो उसमें गलत क्या है? मेरी तो गलती है, मेरी गलती की वजह से सब कुछ हो रहा है। मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा। I'm sorry यार राधा। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मेरी गलती की वजह से मैंने तुम्हें गलत उम्मीदें दी, मेरी गलती की वजह से मैंने तुम्हें गलत सपने दिखाए, और नहीं तो क्या है। नहीं 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 मोहन जी, इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है। अगर आप हमसे बात नहीं करते, अगर आप हमारी तरफ देखते भी नहीं ना, तभी भी हमें आपसे प्यार हो जाता। क्योंकि आप है इतने अच्छे, किसी को भी आपसे प्यार हो जाता मोहन जी। और कब वो आदत जरूरत बन जाए हमें हमें पता ही नहीं चलता। नहीं, अब इतने दिन से साथ रह रहे हैं, साथ में खाते हैं, साथ में पीते हैं, साथ में गुनगुन का ख्याल रखते हैं, इस घर पर जो भी मुसीबतें आते हैं हम साथ में मिलकर सॉल्व करते हैं ना। मानो कि इतने कम टाइम में हमने एक पूरी पूरी जिंदगी जी ली साथ में। हाँ, वो जिंदगी जिसकी हमने सपने में कभी कल्पना भी नहीं की थी, वो जिंदगी जिसमें मैं तुम्हारी आदत बन गया और तुम मेरी जरूरत। तुम्हें जरूरत बनाना मेरी गलती थी और मुझे आदत बनाना तुम्हारी। मैं इस लायक नहीं हूं यार राधा, नहीं हूं मैं इस लायक। मुझसे प्यार करके अपने प्यार को बर्बाद मत करो तुम। मैं वो बिखरा हुआ इंसान हूं ना जिसका कल भी अंधेरे में था और आने वाला कल भी अंधेरे में ही है। मेरा तो मेरी
बेटे के साथ रिश्ता भी बिखरा हुआ है जिसे तुमने आकर संभाला। तुम्हें मेरी पूरी जिंदगी सवार दी और बदले में मैंने तुम्हें क्या दिया? दर्द, दुख, तकलीफ, जिंदगी भर की बेइज्जती दी मैंने तुम्हें। नहीं नहीं मोहन जी, आपको तो पता भी नहीं कि आपने हमारे लिए क्या क्या किया है। और मोहन जी, आप हमारी जिंदगी में क्या महत्व रखते हैं ये या तो हम जानते हैं या तो हमारे बाकी बिहारी जी, और बाकी बिहारी जी भी जानते कि आप हमारे लिए उनसे भी बढ़कर। अभी तो राधा की जान निकलेगी। आज उस केतकी ने सबके सामने मुझे पागल कहा ना, हम सब देखेंगे कि असली पागलपन क्या होता है। आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है ना मोहन जी, तो चलिए हम अभी सारी बातें साफ कर देते हैं। राधा, मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तकलीफ तुम्हें ही होगी। आपकी खुशी के लिए हमें हर तकलीफ मंजूर है मोहन जी। राधा, मोहन को खोने से ना दिमाग खराब हो गया इसका। देखो कैसे कैसे खून सवार है इसकी आंखों में। She's gone crazy, मोहन। गुनगुन, गुनगुन, ठीक है ना गुनगुन? हाँ राधा, मैं ठीक हूँ। पर यहाँ पर हुआ क्या? लो, हमारी फूल सी मासूम सी लड़की को इसने मारा पीटा। अरे शादी वाले घरों में ढोल बजते हैं, लेकिन इसने हमारी बिटिया को ही ढोल की तरह बजा के रख दिया। सच बताएं तो इसे ही ये सब करना था, लेकिन नाम गुनगुन का ले रही है। मासी, एक सेकंड चुप बैठेंगी आप? बेटा पर धामनी, तुम ठीक हो ना? क्या हुआ धामनी, तुमने कुछ कहा, कुछ किया राधा को? मोहन, मैं आज इस लड़की ने जो कुछ भी किया उसके बाद कहने सुनने को कुछ बाकी है क्या? मोहन, मैं तो अपसेट थी इसलिए बाहर आई थी थोड़ा प्रेशर लेने के लिए। पता नहीं ये पागल कहाँ से आ गई और मुझ पर अटैक कर दिया इसने। राधा, तुम ये क्यों कर रही थी, तुम बताओगी मुझे? मोहन जी, हम सच कह रहे हैं, हमने अपनी आंखों से देखा था। दामिनी जी थी गुनगुन को घर से तो क्या? गुनगुन बेटिया, बेटिया, माँ आपने बुलाया। तुलसी, हाँ ठीक 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 है, हमें 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 पता चल गया तुम आ गई। तुलसी, तुम्हें गए हुए इतने साल हो गए, लेकिन एक चीज है जिसकी वजह से हम आज भी इतने सालों बाद भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं,
और वो है मोहन के लिए हम दोनों का प्यार। हम दोनों यही चाहते हैं कि मोहन हमेशा सलामत रहे। हाँ माँ बिल्कुल, मोहन की सलामती के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तुलसी, आज हम जो कुछ भी करने जा रहे हैं वो उसके लिए हमें माफ कर देना। आप ये क्या कह रही है? आप क्या करने वाली है और किस बात के लिए माफी मांग रही है? माफ, हमें माफ कर देना तुलसी। माफ माफ भूतनी खुद ही फंस गई अपने चुंगल में। बड़ी चली थी राधा को उड़ाने के लिए, अब खुद तो उड़ के दिखा। माँ, क्यों किया आपने ऐसा? क्यों कर दिया आपने मुझे? हमें माफ कर दो तुलसी, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। माफ कर दे माँ, तुलसी के लिए ना बुरा फील करने की कोई जरूरत नहीं। अगर वो खुद राधा को लेके मंडप तक नहीं जाती ना तो इतना बड़ा इशू नहीं होता। लेकिन इन दोनों ने मुझे ऐसे कैद क्यों कर रखा है? राधे, राधे। राधे। देखिए डॉक्टर को बुलाओ अभी के अभी। हाँ मोहन। आराम से। हमारा दिल मानना तो नहीं चाहता है, पर शायद दामिनी ठीक कह रही है। हो सकता है मोहन भैया और दामिनी की शादी की वजह से राधा के दिमाग में बहुत गहरा असर पड़ा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, राधा को कुछ नहीं हुआ है। कितना अजीब है, लाइफ में पता नहीं कब क्या हो जाए किसी के साथ, पता ही नहीं चला। और आप लोगों के लिए भी, क्योंकि होश आते ही शायद आप सबको देखकर इन्हें फिर से वो इमोशनल ट्रॉमा ना आ जाए। और हां, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको इनसे दूर रहना होगा। पेशेंट के सदमे की वजह को पेशेंट से दूर रखना होगा। राधा को कहीं मत ले जाओ। ठीक है, she is fine. पता नहीं ये डॉक्टर कहाँ मर गया, हमारा वक्त बर्बाद कर रहा है वो। कहाँ जा रहे हैं आप भाई साहब? जी मुझे फोन आया था, कोई इमरजेंसी है, पेशेंट कहाँ है? आप डॉक्टर है? जी। अरे आपको तो आते आते बहुत वक्त लग गया, हमने तो वो पेशेंट को सीधा अस्पताल भेज दिया है। अच्छा ठीक है, तो मैं अस्पताल चलता हूँ। जी जी जी।
अरे तुझे दिखा कर हम क्या करेंगे, जबकि हमारे पास हमारा खुद का डॉक्टर है। हम जो बोलते हैं वही बीमारी चिपका देता है। मजा आ गया। मिस्टर त्रिवेदी, बेहतर यही होगा कि इन्हें अभी के अभी हॉस्पिटल ले जाया जाए। किसी ने पूछा आपसे किसे भेजना है कि नहीं भेजना है? कहीं नहीं जाएगी। ठीक है मिस्टर त्रिवेदी, आपको जैसा ठीक लगे। आगे आप सोच लीजिए, फिलहाल के लिए मैं इन्हें दवाई दे देता हूं। दवाई मुझे दीजिए, मैं दे दूंगा। मुझे राधा से मिलने को मना कर रहे हैं। बेटा गुनगुन, बात को समझने की कोशिश करो। क्या समझूं? क्या आपको भी लगता है कि राधा के माइंड में कुछ प्रॉब्लम हो गई है? नहीं गुनगुन, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो क्या आपको वो डॉक्टर अंकल और दामिनी पे ट्रस्ट है? दामिनी ने बोला कि राधा ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आपसे लव करती है, और ये सब झूठ है। इनफैक्ट जब राधा को रियलाइज हुआ कि वो आपसे लव करती है, तभी वो इस घर से जाने लगी। याद है आप उससे कहते रहते थे कि क्या हुआ, तुम इस घर को छोड़ के क्यों जा रहे थे, पर वो कुछ नहीं बोलते थे। जाना क्यों है तुम्हें, मुझे बताओ, कोई दिक्कत है तुम्हें? नहीं ना, तो रुक जाओ ना यहाँ पर। राधा बस इसलिए इस घर में रुकी क्योंकि उसे पता चल गया था कि दामिनी इज वेरी बैड। उसे सबकी और स्पेशली आपकी हेल्प करनी थी। तुम्हें ये सब पता था? हाँ मुझे पता था, मैं आपको बताने आ रही थी पर राधा ने मुझे रोक लिया। नहीं गुरु, गुरु, आप इधर आइए, इधर बैठिए। आप हमें वचन दीजिए कि आप मोहन से कुछ भी नहीं कहेंगे। राधा ने मुझे रोक लिया, बोला कि आपको फालतू में टेंशन हो जाएगी। उसने बोला कि वो अकेले ये सब संभाल लेगी। पापा, राधा आपसे वैसा वाला लव करती है जिसे राधा रानी बाकी बैजे से करती है। वैसा वाला लव जिसमें आप अपने फ्रेंड को रोज चॉकलेट देते हो, चाहे वो आपको चॉकलेट ना दे। राधा तो मुझसे भी तब से लव करती है जब मैं उससे लव नहीं करती थी। वो ग्रेडी नहीं, सेल्फिश भी नहीं, वो आपसे बहुत प्यार करती है, और मुझे लगता है आप भी उससे प्यार करते हैं। मोहन जी, मोहन जी, दामिनी दीदी से शादी मत करिए, मत करिए दामिनी दीदी से शादी। जब राधा को रियलाइज हुआ कि वो आपसे लव करती है, तभी वो इस घर से जाने लगी। राधा बस इसलिए इस घर में रुकी क्योंकि उसे पता चल गया था कि दामिनी इज वेरी बैड। उसे सबकी और स्पेशली आपकी हेल्प करनी थी। वो आपसे बहुत प्यार करती है, और मुझे लगता है आप भी उससे प्यार करते हो। झूठा सेरा
साचा दर्द मेरा, मृग तृष्णा सा मोह पिया, नाता मेरा। यहां से पढ़ाई करनी, चेहरे को नहीं। मुझे पानी पीना। साँझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। नैना जो मिलके रात जागते थे नैना, शहर में पलक मीचते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे नैना, घुटन हम बरसाने की राधा मोहन जी से प्रेम करते हैं। मोहन तुम जानते हो ना, तुम समझते हो राधा को। राधा कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। राधा पे भरोसा करो मोहन, राधा के खिलाफ नहीं उसके साथ खड़े रहो। प्लीज मोहन, प्लीज राधा पर भरोसा करो। सालों के बाद ये खुशी का मौका आया है, आज हमें मत रोको। मासी मैं समझता हूँ ये सब, पर आप जानती है ना राधा की तबीयत खराब है। ये सब शोर शराबे से वो और परेशान हो जाएगी, और क्या। अरे वो तो कल सुबह ही उठने वाली है ना। क्या ऐसा क्या किया इन लोगों ने कि राधा कल सुबह उठेगी? हमारे कहने का मतलब है कि वो हमने सब पिक्चर में देखा था, कैसे किसी को पागलपन के दौरे आते हैं और डॉक्टर आके जब ऐसे दवाइयां देता है ना तो वो दूसरे दिन ही उठ पाता है। हमने भी बोल दिया। हमारा दिल रख लो ना, बचाओ बचाओ बचाओ। अगर मोहन ने राधा को मेडिसिन दी थी तो ये इतनी जल्दी कैसे उठ गई? ए, वही तो प्रॉब्लम है ना बिटिया, ये 2.5 फुट चुड़ैल को दवाइयां बम मिसाइल किसी की असर ही नहीं होता। नहीं मम्मा, असर तो तब होता ना जब मोहन ने इसको मेडिसिन दिया होता। मतलब मम्मा मोहन ने इसे मेडिसिन दी ही नहीं है। अरे पर क्यों? क्योंकि मोहन को हम दोनों पर शक हो गया। इसने अभी अभी जो भी किया है ना वो सब कुछ एक्टिंग थी। अब हम क्या करेंगे बिटिया? वैसे भी पहले राधा अकेली थी तो उसने हमारे नाक में दम करके रखा था, अब तो मोहन भी उसके साथ जुड़ गया। ये मोहन तो हमारे नाक में सीधा बम ही लगा देगा बिटिया, क्या करेंगे? मामा आप मुझे मेरा फोन दो, मैं कुछ सोचती हूँ। आप बस मोहन जी की मदद करिएगा, समय कम है और काम बहुत ज्यादा है। बस किसी तरह से बिना दामिनी जी के बारे में कोई सबूत मोहन जी को पहुंचा दीजिएगा, हमारा मतलब मिला दीजिएगा, फिर काम बन जाएगा। कौन? गुनगुन, राधा,
बाकी बिहारी जी? हाँ, जहाँ राधा वहाँ उसके बाकी बिहारी जी। पर आप लोग इसे पीछे की खिड़की से क्यों आए? अरे पूरे गांव को बताना है कि राधा गुंगू का मिलन हो रहा है क्या, और पीछे की खिड़की का क्या मतलब है? क्या चाहती हो? आगे के दरवाजे से आए, ढोल बजा कर आए और ऐलान कर दे कि हमें आपका कांड करने आए। व्हाट डू यू वांट? चलो अब उठो, आप खोल दो। हम कैसे खोले? सहायता चाहिए होगी ना हमें? खोल देंगे हम, क्या है, हम नहीं बांध रहे। तुम सॉरी, वो बांधना पड़ा मुझे। सब लोग थे ना वहां पर? कभी चोट नहीं पहुंचा सकते। भगवान कभी भक्त को चोट पहुंचा सकता है क्या? मौका मिलता नहीं है, प्रवचन देना शुरू कर देती हो। चलो अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमें फोकस करना होगा। हाँ, फोकस फोकस। प्लान मेरे पास है, मेरे फोन में। ये ना बात। क्या हुआ? थैंक यू पापा, राधा पर बिलीव करने के लिए। चलो चलो। ड्रामा क्वीन, इसका मतलब मोहन गुनगुन और केतकी राधा को बचाने की कोशिश कर रहे। थैंक यू बाकी बिहारी जी, आज आपने राधा के प्यार को शर्मिंदा होने से बचा लिया। थैंक यू। दामिनी, दामिनी कद्दू, तू यहाँ? वो हमने सोचा हम दामिनी से जरा बात कर लेते हैं। क्यों क्यों क्या दीदी, आज इतना कुछ हो गया घर में, दामिनी परेशान होगी, तो हमने सोचा दो मिनट बात कर लेंगे तो उससे अच्छा लगेगा। अरे मेरी प्यारी बहन, हमारी दामिनी बिटिया बिल्कुल परेशान नहीं है। अरे हमें अंदर तक नहीं आने दे रही है वो, तो हमें तो लगता है कि शादी की खुशी में अकेले अकेले ऐसे नाच रही होगी वो लोग। लगता है कि दुल्हन दीदी मंडप में ही देखने को मिलेगी हमें। और तू जहाँ जाके तैयार हो जा, सब लोग अपने अपने कमरे में तैयार हो रहे हैं, और अगर साथ तैयार नहीं होगी तो कैसा लगेगा? कादंबरी जी, अरे हम आ गए। बहुत अच्छा किया पंडित जी जो आप आ गए, अब शादी में 3 ही घंटे तो बचे। जी, लेकिन इस बार शादी में कोई बिघ ना पड़े, क्योंकि कल सुबह 4 बजे से मलमास शुरू हो जाएगा, फिर ये शादी नहीं हो पाएगी। ऐसे कैसे नहीं हो पाएगी? शादी तो जरूर होगी, जाना जाके तो तैयार हो जा, पर पंडित जी आप शांति से आराम कर लीजिए। हाँ, तब तक दीदी आप भी तैयार हो जाइए, हम आते हैं। ये कावेरी मौसी राधा के कमरे में क्यों जा रही है? इनकी शक्ल बता रही है,
कि ये कुछ करने वाली है। और केतकी की एक बेवकूफी कि शादी 4 घंटे में है। अब सुन ले छोरी, तन्ने 4 घंटे में शादी करनी से कि जेल जाना से? राधा रानी, तुम जो खेल खेल रही हो ना, उसकी मास्टर नहीं है हम। लेकिन इस बार तुम्हें पता चलेगा कि ये खेल तुम्हें कितना महंगा पड़ने वाला है। तुमने हमारी बिटिया की जिंदगी में बहुत आग लगा ली, लेकिन इस बार इस खेल में तुमने मोहन को भी शामिल कर लिया है। और तुम्हें पता है, जब हमारी बिटिया को कुछ बुरा लगता है ना, तो वो सामने वाले को बुरा लगाकर ही छोड़ती है। अब मोहन जब इस खेल में शामिल हुआ है तो उसे सजा तो मिलेगी ना, और उसकी सजा होगी केतकी की मौत। इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करिए बड़ी काकी जी। मोहन जी केतकी जी को कुछ भी नहीं होने देंगे। बड़ी बड़ी बातें नहीं, बड़े बड़े कांड। हम तुम्हें समझाते हैं, जब केतकी दामिनी से पैसे लेने जाएगी तब वहां पर असली पुलिस नहीं, नकली पुलिस के भेस में भेजे हुए हमारे गुंडे पहुंचेंगे। और हमारा मोहन वो पुलिस वालों से कहेगा कि अरे अरे आप ये क्या कर रहे हैं, हमारी बहन ने कुछ नहीं किया, उसे छोड़ दीजिए। तब हमारे गुंडे कहेंगे कि मोहन जी आप पुलिस स्टेशन आइए, अपनी बहन को लेकर जाइए। और पुलिस स्टेशन जाने के वक्त ही रास्ते में केतकी तो तुम हो हृदय की बीवी? ना, मैं तो कैटरीना कैफ हूँ। जब थारे से बात हुई है तो हृदय की लुगाई आएगी ना। बावड़ी पूछ, चल पैसे लाइए। हाँ, पूरे 25 लाख है। कहाँ है, जा लेकर आ। गाड़ी में है। तो देख के रही से लेकर आ। और अगर नहीं दिए तो? तो ना मार मार के मुंह लाल कर दूंगी थारा। देख के रही से जा लेकर आ, वरना ब्याह कैंसिल हो जाएगा तेरा। जा जल्दी पैसे लेकर आ। अब जिस इंसान से शादी करने जा रहे हैं वही इंसान इस घर की सारी विपदाओं के पीछे की जड़ है मोहन जी। हम नहीं, खेलिए तो तुम माँ बेटी रच रहे हैं। राधा बस इसलिए इस घर में रुकी क्योंकि उसे पता चल गया था कि दामिनी इज वेरी बैड। और अगर राधा कह रही है कि दामिनी आपके और गुल्लू के लिए सही नहीं है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। केतकी ये काफी थोड़ी ना है।
बाकी प्यारी जी, यहाँ तो रास्ता ही समझ नहीं आ रहा है, क्या कर रहे हो? बाकी बिहारी जी, अब आप ही हमारी कोई मदद करिए ना, कोई रास्ता दिखाइए। राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण, राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण, राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण। बहन जी आप ठीक तो हैं? भैया जी, हमारा ना मथुरा रोड जाना बहुत जरूरी है, चलेंगे क्या? आइए बैठिए। भैया जल्दी जल्दी चलिएगा, चलिए चलिए। जाइए ना, किसी को लेके आ जाइए। ये जाइए, मुझे बताएगा क्या हो रहा है यहाँ पे? मोहन राग, तुम लोग कर क्या रहे हो यहाँ? अरेस्ट कर लो इसे। नहीं 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 सर, सर प्लीज प्लीज रुकिए 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 प्लीज मैम। आप जानते हैं इन्हें? हाँ, ये एक्चुअली मेरी ननद है, पर मुझे फोन ना हृदय की बीवी का ही आया था, इसलिए तो मैंने आपको बुलाया ताकि हृदय ना सही, अगर आप उसके बेबी को पकड़ लो तो हम सबकी मदद हो जाए बस। दामिनी चची, अपने नाटक ना बंद कर। ओए राधा, तुम कर क्या रही हो यहाँ पर? मोहन जी, बड़ी काकीची और दामिनी चची को ना हमारे प्लेन के बारे में पहले ही पता लग गया था। इसलिए तुम लोगों ने ये नकली पुलिस वाले भेजे ताकि केत की चीज को मार सके। अरे तुम्हें कैसे पता ये सब? क्योंकि बड़ी काकी ने मैं खुद कहा है। क्या बक रही हो राधा? हाँ मोहन भैया, राधा सच कह रही है, ये दामिनी ना कुछ भी कर सकती है। हाँ मोहन जी, ये चल क्या रहा है यहाँ पे? इन्हें हथकड़ी लगाइए। सर नहीं नहीं, गलती से भी हमारी केत की चीज को हाथ लगाने के बारे मत सोचिएगा, और आप लोगों ने ये सब नाटक ना बंद करी, हमें पता है कि आप सब असली के गुंडे हैं। तो इसलिए हमारी केत की जीजू को हाथ भी लगाए ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। गुंडे तो क्या, अभी बताते हैं हम आपको। अरे सर, सर प्लीज, एक मिनट, नाटक करना बंद करिए ना, बोला ना हमने। और ये किराए की वर्दी से ना किसी और को बेवकूफ बनाइएगा। किराए की वर्दी? आईडी कार्ड दिखाओ इन्हें। तुम सब एक साथ कहां गए थे? हाँ, इन्हें देखकर लगता है कि दामिनी फिर से कोई नया खेल खेल गई। और राधा, राधा को तो मोहन ने बांधा था ना उसके कमरे में। बाहर कैसे निकली? और केके तुम क्या हुलिया बना रखा है तुमने? क्या है क्या ये? ऐसे कपड़े पहनकर कहां गई थी और क्यों गई थी तुम? मुझे कोई बताओ कि यहाँ क्या चल रहा है?
दामिनी कहाँ गई थी? तुम तो बहुत अच्छी तरह जानती हो ना कि तुम दुल्हन हो, तुम्हारी शादी होने वाली है और दुल्हन का अपने घर से बाहर निकलना शुभ नहीं होता, पता है ना तुम्हें? कैसे दुल्हन माँ? और किसकी दुल्हन? मुझे नहीं करनी है शादी। हम मुझे लगा कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर हृदय को नहीं पकड़ सके तो उसकी बीवी को पकड़ लेंगे, तो मैंने पुलिस को फोन कर दिया और मैं वहां पहुंच गई और वहां अचानक राधा आके पहुंच गई और पुलिस को मारने लगी, ये सोच के कि ये लोग भाड़े के गुंडे हैं। और आप ही बताओ मां, जब मोहन को ही मुझ पर भरोसा नहीं है तो फिर ये शादी करके क्या फायदा? कोई जरूरत नहीं है मां, बस अब बहुत हो गया है। रुक जा दामिनी, देखो माना कि तुम हृदय के साथ नहीं मिली हुई थी, मान लिया उस बात को, पर उस दवाई का क्या जो उस डॉक्टर ने राधा को दी थी? डॉक्टर दवाई मुझे दीजिए, मैं दे दूंगा। अच्छा मैंने वो दवाई राधा को नहीं दी, मैंने अपने फ्रेंड डॉक्टर के साथ क्रॉस चेक किया, तब पता चला कि ये दवाई ना एक्सट्रीम कंडीशंस पर दी जाती है और ये दवाई देने से राधा की तबीयत बेहतर नहीं और बिगड़ जाती। मोहन तुम मुझसे क्यों ये पूछ रहे हो? डॉक्टर को मैंने थोड़ी ना बुलाया था, वो तो केतकी ने फोन किया था, उसे पूछो ना। मैंने तो सिर्फ हॉस्पिटल में कॉल किया था, मुझे क्या पता कौन सा डॉक्टर आएगा। तो हॉस्पिटल में फोन करके एक बार चेक कर लेते ना मोहन। भैया मैं इतनी गिरी हुई लगती हूँ कि राधा को कोई भी दवाई दे के मैं उसे नुकसान पहुँचाऊंगी। तो किसके कहने पर उस डॉक्टर ने राधा को दवाई दी थी मुझे ये बताओ ना फिर। गलती से मोहन जी, आओ बेटा, गलती से। बात क्या है दामिन, इतनी नाराज क्यों है? छोटी काकी जी, हम आपको बताते कि असल में हुआ क्या था। दामिनी जीजी ने ना केतकी जीजी को चुप रहो रहा था, इतने दिनों से इस घर में जो कुछ भी गलत हो रहा है ना, वो शुरू तुमसे होता है और खत्म भी तुम पे ही होता है। हमारी तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि जब मोहन ने तुम्हें कमरे में बांध दिया था तो तुम्हें खोला किसने और तुम कमरे से बाहर कैसे आई? सही तो कह रही है, यही तो चाहते थे ना तुम कि एक दिन मैं घर छोड़कर चली जाऊं।
और फिर तुम सब एक हैप्पी फैमिली के तैयार हो। दामिनी मैं झूठ नहीं बोलूंगा तुमसे, पर तुम्हें पता है ना ये बात कि मैं तुमसे गुनगुन के लिए शादी कर रहा हूं। लेट इट बी ना पापा, जाने दो ना दामिनी को। इनफ गुनगुन, सुनी ना मैंने तुम सब की बात, तुम्हारी राधा की केतकी की क्या नतीजा निकला? जो इल्जाम तुम लोगों ने दामिनी पर लगाए उसे प्रूफ करने के लिए कोई पक्का सबूत ले आए तुम लोग? नहीं ना। अरे तुम लोग क्या, मैं भी खुद कोई सबूत नहीं ले पाया दामिनी के खिलाफ। दामिनी आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो प्लीज। मेरी गलती है, आई एम सॉरी, प्लीज मत जाओ तुम। और ना ही गलत होने दोगी दामिनी, आई एम सॉरी, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दो मुझे, आई एम सॉरी। माफ कर दो, आई एम सॉरी, कितने छोटे शब्द है ना ये मोहन। किसी पे शक कर लो, उनकी बेइज्जती कर दो और फिर कह दो आई एम सॉरी, किसी का दिल तोड़ दो और फिर कह दो आई एम सॉरी। किसी की जिंदगी भर के प्यार का मजाक बनाकर रख दो और फिर कह दो आई एम सॉरी। नहीं मोहन, आज ना, आज मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी, तो ये सब खत्म करते हैं। और वैसे भी आप सब तो यही चाहते हैं ना कि मेरी शादी मोहन से ना हो, तो ठीक है। कांग्रेचुलेशंस राधा, आज तुम जीत गए और मैं हार गई। नहीं कर रही मैं तुम्हारे मोहन से शादी। मोहन अब तुम जा, तुम्हारी राधा जाने, तुम्हारा परिवार जा। मेरा हो गया, मैं जा रही हूं। नहीं दामिनी प्लीज रुक जाओ, ऐसा किसने कह दिया तुमसे? हम सब चाहते हैं कि तुम्हारी शादी मोहन से हो। दीदी अब खड़े खड़े सुन क्या रही है, समझाइए ना दामिनी को, ये क्या बोले जा रही है कब से? नहीं कद्दू, जिस तरह से तुम्हारी ये चहेती राधा ने हमारी पिटाई की है ना, इसके बाद तुम किसी को कुछ भी नहीं समझाएगी। चल चलिए मम्मा। दामिनी मैं जानता हूं हम सब ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था दामिनी, पर मैं प्रॉमिस करता हूं तुम्हारे साथ जो होता हुआ है ना वो अब दोबारा नहीं होगा। अब तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें सिर्फ प्यार मिलेगा दामिनी, भी ही हमने तुम्हें ले जाना चाहिए था। क्या आपको पता था ये? अब जानते ही होगे ना बेटा, हम तो पहले से कह रहे थे ये पूरा परिवार मिला हुआ है।
अमीर लड़का देखा नहीं, लड़की को भेज दिया फंसाने के लिए। मासी। बड़ी काकी जी, आपको हमें जो कहना है ना कह लीजिए, और अगर गलती से हमारे निर्दोष बाबा या दादी को कुछ कहने के बारे में सोचा भी ना, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुनो, बाकी रह गया है और कुछ? राधा चल यहां से, गलती कर दी हमने तुम्हें यहां छोड़कर। और आज इस गलती का नतीजा भी देख लिया, आज सारा घर तुमसे जाने के लिए कह रहा है। चल बिटिया चल, बहुत हो गया। दादी हम नहीं जा सकते, अब समझिए ना, मोहन जी को हमारी जरूरत है। बिटिया, मोहन को किस युग में राधा की जरूरत नहीं थी, पर ना तो मोहन को राधा द्वापर युग में मिली और ना आज मिलेगी। जाने दे राधा को, अभी तक राधा से हमदर्दी गई नहीं है मोहन की। बाढ़ में जाए हमदर्दी तो बस इतना सोच कि कम से कम मोहन राधा को घर से बाहर निकालने के लिए तैयार तो हो गया। राहुल भैया, ये घर आपका हो सकता है, पर ये हमारा भी तो परिवार है, हमारे भी तो रिश्ते हैं यहाँ, और हम इन रिश्तों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। मोहन प्लीज रोक लो राधा को, देखो तुमसे कितना प्यार करती हूँ, मोहन प्लीज ऐसा मत करो। छोटी काकी जी, हम जानते हैं कि इस समय आप हमसे बहुत नाराज हैं, पर हम ये भी जानते हैं कि आप मानती हैं कि हमने कभी भी इस घर के लिए कुछ भी बुरा नहीं चाहा है, तो हम जाने से रोक लीजिए ना हमें। यहाँ पर हम दोनों जाते हैं कि ये शादी मोहन जी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, मत होने दीजिए ये शादी। काका जी राहुल भैया, हम जानते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आपके और मोहन जी के रिश्ते के बीच हमने दूरियां पैदा की, हमने कड़वाहट डाली, पर हमारा विश्वास करिए, बाके बिहारी जी की कसम, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया राहुल भैया। हमें जाने को मत कहिए ना, हम आपके हाथ जोड़ते हैं राहुल भैया। अजीत भैया आप बताइए हमने कभी भी इस घर के किसी भी सदस्य के लिए बुरा चाहा, कभी बुरा किया किसी के लिए? कह के दीजिए हमारा साथ दे रहे गुनगुन, हमारा साथ दे रहे, तो आप सब भी दीजिए ना हमारा साथ।
मोहन जी को, प्लीज रोक लो कोई राधा को। अगर राधा चली गई तो गुनगुन का क्या होगा, मोहन का क्या होगा, प्लीज। चल राधा। सुपर दादी, आप प्लीज राधा को मत ले जाइए, मैं राधा के बिना नहीं रह सकती, प्लीज। बिटिया, इस बार तो हमें राधा को अपने साथ ले ही जाना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। कितनी बार मेरी बेटी से उसकी माँ को छीनोगे आप लोग? गुनगुन को माँ की ममता मिलने का राधा दूसरा मौका है, प्लीज ऐसा मत करो। राधा, तुम्हें जितनी देर यहाँ रुकना है तुम रुक सकती हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, तुम प्लीज ऐसे घबराओ मत ना मुझसे। राधा प्लीज ओपन द डोर। अम्मा, राधा को ना कमरे से बाहर निकालूंगा, वरना मोहन को पता चल जाएगा कि उसके साथ अंदर कोई है। लो, हम तो मर गए। अगर मोहन को समझ में आ गया कि उसकी मरी हुई पत्नी की आत्मा अंदर है और राधा भी साथ में है, तो तेरी तो शादी होने से रही। अरे वो क्यों करेगा तुमसे शादी? चुप रहो ना यार। बाकी बिहारी जी, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए, मुझे राधा से बात करनी होगी। हमें परेशान मत करिए। राधा, राधा मेरी बात सुनो, मैं तुलसी हूँ। मोहन, आराम से। देखो, ये तो यहाँ से वैसे भी नहीं जाना चाहते, लेकिन मैं जाने के लिए तैयार हूँ, तो फुल एंड फाइनल करके बोल दो। मोहन, जो कुछ भी कहना सोच समझ कर कहना। हमारी गुनगुन की जिंदगी का सवाल है। प्लीज पापा, राधा को यही रहने दो ना। एक बार उसे देख तो लो, उसकी तबीयत खराब है। दादी, राधा को अपने साथ ले जाइए। जितनी देरी आ रही है इसकी हालत और खराब हो जाएगी। दादी प्लीज ले जाइए राधा को। हम कहीं नहीं जाएंगे। हम नहीं जाएंगे यहाँ से। राधा चलो, नहीं पहुँच ही रही। राधा बेटा चलो, राधा चलो, छोड़िए ना दादी, हम राधा जाइए। चलो राधा, नहीं, राधा प्लीज। मोहन जी नहीं। यह
ये धागा तो पहले दहलीज पर बंधा था और शादी के मंडप के आसपास भी। कहीं जो शक्ति इस कमरे में है वो इस धागे की मर्यादा से तो नहीं बंधी। ये शक्ति जो भी है इन्हें शायद किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। ये कोई बुरी शक्ति नहीं है। मेरी दोस्त बन के तुम्हारे साथ जीना चाहता कर तेरा हाथ था। अगर भगवान वो होता है जो आपके सारे दुख हर ले और आपकी जिंदगी खुशियों से भर ले तो मेरी भगवान तुम हो। मैं किस मंजिल का राही हूँ, तू किन राहों पे लाई है, समझ पाऊँ ना मैं तुझको ना तू मुझको। सांप के काटने से गुंडों के मारने से बच गया, शायद अगली बार मैं बच ना पाऊं। समझ पाऊं ना मैं तुझको ना तू मुझको। वैसे भी जब राधा मोहन साथ होते हैं ना तब तभी तो हिट है। से जा रहे हैं पर जैसे हमने आपकी मदद की आपको हमारी मदद करनी होगी। आप जो भी हैं मोहन जी और उनके परिवार को बचाइए, ये शादी रुकवा दीजिए। हाँ राधा, वही करना है। दामिनी को लगता है कि वो हमसे जीत गई, उसने हम दोनों को मोहन की जिंदगी से दूर कर दिया, पर उसे क्या पता हमें मोहन से दूर करने में ही उसने हम दोनों को मिला दिया है। अब हम दोनों को मिलकर इस शादी को रोकना होगा। के साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया है, सब कुछ अच्छा किया, और उसने तो ये भी बोल दिया कि वो आपसे लव करती है। पर फिर भी आपने तो उसे घर से निकाल दिया। I hate you more। आपको नेम से नहीं बुलाऊंगी क्योंकि वो राधा की इंसल्ट होगी। अगर राधा यहां होती ना तो वो बहुत सैड होती। अब आप दामिनी से शादी करो या मत करो, आई डोंट केयर। बस मुझे इतना पता है जैसे आपने राधा को निकाला है ना वैसे ही एक दिन दामिनी भी मुझे निकालेगी। ये चूहिया तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पहचान गई है।
आखिर मेरी होने वाली बेटी जो है मम्मा, दामिनी से शादी करोगे ना तो कोई फ्रेंड नहीं रहेगा आपका। सोच लो, पर अब मैं शादी अटेंड नहीं करूंगी। गुनगुन, गुनगुन, कितना जहर भर दिया है राधा ने गुनगुन के दिमाग में। बचपन में सिखाई गई बातों का असर ना जिंदगी भर रह ही जाता है। हमेशा के लिए बिगाड़ कर चली गई हमारी बेटी को। समझ में नहीं आ रहा कि राधा ने गुनगुन को बिगाड़ा है या सवार दिया। राधा और मैं सिर्फ मोहन की वजह से नहीं लेकिन गुनगुन की वजह से भी एक साथ जुड़े हुए हैं। पति पत्नी का रिश्ता जितना गहरा होता है उससे कई ज्यादा गहरा रिश्ता माँ और बच्चे का होता है। सिर्फ ये मंगलसूत्र ही मेरे और मोहन के प्यार की निशानी नहीं बल्कि कुछ और है, कुछ ऐसी चीज जो मोहन और गुनगुन की निशानी है और जो मुझे राधा से जोड़ती है। थैंक यू बाकी बिहारी जी, थैंक यू गुनगुन। आज तुम दोनों ने मिलकर मुझे रास्ता दिखाया। गुनगुन, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ तुम्हारी मम्मा और कोई नहीं बल्कि राधा ही बनेगी। मोहन, हमारी शादी भले ही बहुत सालों पहले तय हो गई हो लेकिन रिश्ता तो आज पक्का हुआ है ना। अब हमारे बीच में ना कोई नहीं आएगा। तो हम सब जाके तैयार हो जाएं शादी के लिए। आज तो मेरी शादी धूमधाम से होगी। हाँ, सही तो कह रही है हमारी बिटिया। अरे इतने दिनों के बाद हमारे घर से मनहूसियत गई है। हम तो कहते हैं कि ये शादी एकदम धूमधाम से होनी ही चाहिए। जाओ जाओ, सब लोग तैयार हो जाओ और ये घर की सजावट भी बदल दो। जाओ। दीदी, ये सब करने की क्या जरूरत है? जरूरी है माँ, क्योंकि मेरे लिए ना ये सजावट नहीं है, एक मनहूस साया है। इसी सजावट, इसी मंडप के नीचे ना राधा ने मेरे मोहन के साथ फेरे लिए थे। तो मैं ये सेम सजावट इसी मंडप के नीचे शादी नहीं करूंगी। हाँ कद्दू, मुझे एक फ्रेश स्टार्ट चाहिए माँ। आज फाइनली मेरी शादी हो रही है, वो भी मेरे प्यार के साथ, मेरे मोहन के साथ। तो माँ, इतना तो मैं डिजर्व करती हूँ ना। सही तो बोल रही है ना माँ। दुल्हन है वो, आज उसकी शादी हो रही है, हक तो उसका बनता है ना। हम एक नई शुरुआत करेंगे, ठीक है? और ये शादी जो है ना वो धूमधाम से होगी। फूल वूल भी बजेंगे ना इसमें। थैंक यू मोहन, थैंक यू सो मच, आई लव यू। तेरी याद
हम ऐसा वादा कैसे कर सकते हैं जो हम निभा ही ना पाए। एक ना एक दिन तो हमें जाना ही पड़ेगा ना। तेरे बिना सीने विच सा रुक गए ने, तू जो गया ते मेरे राह रुक गए ने, बाके जो तेनू मेरे दिल ने गवाया है, दर्द जुदाई वाला नैणा विच छाया है। रब करे तेनू कोई गम तड़ पावे ना, बारिशा दा मौसम तेरी अख वल जावे ना, साडिया नसीबा विच लिखिया जुदाइया वे कदों दूर होनिया ने तनहाइया। तेरी खैर मंगदी मैं मंगा ना कुछ होर, एक तेरी खैर मंगदी ना टूटे दिल की डोर, एक तेरी खैर मंगदी अब कोई चले ना जोर, एक तेरी। गुनगुन क्या करियो, दरवाजा खोलो गुनगुन। यू आर राइट, अगर आप नीचे नहीं गए तो ये शादी कैसे होगी? क्या? यस, अब ये डोर नहीं खुलेगा। चाहता तो मैं भी यही हूँ कि दरवाजा ना खुले और मुझे शादी ना करनी पड़े। क्या कुछ बोल रहे हो? गुनगुन तुम्हें इस बात से अपसेट होना कि राधा चली गई। राधा के जाने से नहीं, उसको निकालने से अपसेट। और याद है ना उसे निकाला किसने है? आपने। गुनगुन मुझे एक बात बताओ, क्या हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी नहीं हैं? सिर्फ पापा और गुनगुन की टीम। और गुनगुन और पापा को एक टीम में लाया कौन था, याद है आपको? गुनगुन और पापा को फ्रेंड किसने बनाया था, याद है आपको? राधा ने। अगर राधा को पता चल गया कि तुमने अपने पापा को इस तरह बंद कर दिया तो उन्हें कैसा लगेगा? कि तुम मोहन से प्यार नहीं करती, बस उसे पाना चाहती हो। और ये तो हम भी देख चुके हैं, मोहन को पाने के लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया, जायज नाजायज हर कदम उठाए। ये जानते हुए कि मोहन शादीशुदा है, तुमने सालों तक उसका इंतजार किया, दुनिया जहान के खेल खेले उसे पाने के लिए, यहां तक कि हमें ब्लैकमेल तक किया। और अब तुम्हारी शादी होने जा रही है उससे, पर इतना याद रहे दामिनी, तुम्हारी शादी हम तुम्हारे जिद और जुनून को पूरा करने के लिए नहीं कर रहे। हमने इस शादी के लिए हां इसलिए कहा क्योंकि तुम जैसी भी हो तुम मोहन से प्यार करती हो। दामिनी, हमारे बेटे ने ना बहुत दुख और तकलीफें देखी है और हम चाहते हैं कि हमारे बेटे को दुनिया जहान की खुशियां मिले और शादी के बाद वो प्यार देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और अगर उस प्यार को देने में कहीं भी कोई भी कमी आई ना तो हमारा नाम भी कादंबरी देवी है। कहते नहीं इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अगर हमारे बेटे को जरा भी तकलीफ हुई ना तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हाँ, सोच भी कैसे सकती है अभी कि हमारी बात खत्म नहीं हुई। दामिनी, मोहन के साथ साथ परिवार के हर सदस्य की जान बचती है हमारे गुनगुन पे, और अब तुम उसकी मां की जगह लेने जा रही हो। तुम उसकी मां की जगह तो ले लोगी पर उसकी मां नहीं बन पाओगी, ना बनो। पर उसके लिए खतरा बनने की कोशिश बिल्कुल मत करना।
वरना तुमने अभी हमारा गुस्सा नहीं दिखा। माँ, राधा के आने से पहले तक तो आपके मन में भी कभी ये सवाल नहीं आया कि मैं मोहन से प्यार करती हूँ या नहीं, तो आप क्यों? राधा ने बस एक बार आपसे कह दिया कि मैं सिर्फ मोहन को पाना चाहती हूँ और आपने इतना इजीली मान लिया।